इंस्ट्रक्शन है जिसको आगे मैं डिस्प्ले करूँगा, आपको डिक्टेट करूँगा। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है इनकमिंग डेटा का इंस्पेक्शन। इनकमिंग डेटा का इंस्पेक्शन हम लोग, यानी कि जो आपने गड़बड़ फाइल सेंड की पीसी मैन्युफैक्चरर को, उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अकॉर्डिंग वो सूट करता है या नहीं, टेक्निकल डिटेल्स उसकी। तो ये जो हमारा ओपन होता है, नॉर्मली हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं CAM 350, GC प्रीव्यू और गर्व टूल, ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनमें लगभग सभी गड़बड़ ओपन हो जाते हैं। तो इनकमिंग डेटा का इंस्पेक्शन, क्या क्या चीज़ें इसमें चेक होती है बेसिकली, हम जैसे क्लियरेंस, ड्रिल फाइल और शॉर्टिंग, इसके अलावा कुछ भी अगर एरर हमें दिखाई देती है जो हम DRC में फॉलो करते हैं डिज़ाइनिंग के वक्त, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टॉक रूम, जो हमारा CCL होता है, कॉपर क्लैड लेमिनेट, ये ऑफ कट है। ऑफ कट का मतलब कुछ शीट काटा और बच गया कुछ, ठीक है, ये कंप्लीट स्टॉक रूम हो गया आपका शीट्स का। जैसे शीट की थिकनेस हो गया आपका 0.2 mm से लेकर 3.2 mm तक, कॉपर की थिकनेस हो गई 18 माइक्रोन, 35 माइक्रोन, 70 माइक्रोन, 105 माइक्रोन, आपको 400 माइक्रोन तक अवेलेबल है। ये है आपका शीट कटिंग अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ PCB। यहाँ पर PCB के लेंथ एंड विड्थ को कट किया जाता है आउटर। फाइनल कटिंग एक बार फिर दोबारा से नॉर्मली हो भी सकती है, नहीं भी, तो कभी हम पीस के साइज़ को बढ़ा लेते हैं, कभी एक्यूरेट साइज लेते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ये हमारा CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें ड्रिल फाइल आपकी अटैच की गई है यहाँ पर। ये जो डिज़ाइनर, यानी कि जो मेल पर हमारे डिज़ाइन आते हैं डिलीवर डेटा से, काफ़ी तो हो जाता है जैसे ड्रिल फाइल, और ड्रिल फाइल के अकॉर्डिंग ये PCB जितने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन इसको पैनल बनाया गया है। पैनल बनाने से क्या होता है कि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, एक ही बार में कई सारे PCB बन जाते हैं, बाद में उनको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा डबल साइड PCB के लिए है, जो हम सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्रिल फाइल, और उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, उसके अंदर ये सब प्लेटिंग लाइन है जिसमें PTH हो रहा है, कितने माइक्रोन कॉपर, इसके ऊपर बेसिकली दीज आर रेक्टिफायर्स करंट फ्लो करने के लिए, PTH करने के लिए। सब में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं। इस प्रोसेस के बाद, इंस्पेक्शन के बाद सीधे क्या होता है, अगर हमारा डेटा ओके है तो हम उसका फिर नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट करते हैं, इस तरह से फिल्म जिनको हम बोलते हैं, जैसे सिल्क का हो गया, मास्किंग का हो गया, सर्किट का हो गया, ये फिल्म जनरेट करते हैं। और फिल्म जनरेट करने के बाद इन फिल्म को एक टेम्परेरी फिल्म, जैसे 5-star हुआ या और भी मटेरियल्स आते हैं, उसके ऊपर इसका इम्प्रेशन लेते हैं। ये एक्सपोजर है बेसिकली, इसको अल्ट्रावायलेट रेस इसके अंदर हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो इन फिल्म के नीचे एक रेड कलर की फिल्म लगी हुई है, उस रेड कलर की फिल्म का पर इसका इम्प्रेशन आ जाएगा, जो एक टेम्परेरी फिल्म होगी। वो काम करने के बाद उसको हम फ्रेम पे चिपकाते हैं, और चिपकाने के बाद अगर हमारा वर्क फिनिश हो जाता है, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, एचिंग का हो, ब्रशिंग और मास्किंग का हो, उसके बाद हम फ्रेम को वॉश कर देते हैं। तो दीज आर मास्टर फिल्म्स, ये मास्टर फिल्म है, और इस मास्टर फिल्म का इम्प्रेशन हम एक्सपोजर के थ्रू हम एक टेम्परेरी फिल्म पे ले रहे हैं, जैसे और 5-star नॉर्मली। इसके बाद उसका इम्प्रेशन, जो मास्टर फिल्म का इम्प्रेशन इस फिल्म के ऊपर इस तरह से आ गया,
मास्क है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला के तो पानी में डिप कर देते हैं इसको। ये ट्रे रखी हुई है, इसी ट्रे में एक्सपोज के बाद डाला जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के पानी। फिल्म एक्सपोज करने के बाद उसको हमने इस तरह से फ्रेम पर ले लिया। ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए यानी कि मास्किंग सर्किट और सिल्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट कपड़े यूज होते हैं। ये प्रिंटिंग टेबल्स हैं जिन पे नॉर्मली हम फ्रेम को कसते हैं। उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ड्रिल होने के बाद या ड्रिल से पहले भी कर सकते हैं हम लोग सर्किट प्रिंट करते हैं इस तरह से। दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में जैसे आप देख रहे हैं जी, एक बार हाथ में लेके दिखाना होगा तो ये ठीक है। तो सर्किट प्रिंट होने के बाद हम इसका इचिंग करते हैं पीसीबी का इस तरह से। मशीन के अंदर ये कन्वेयर पे जा रहा है, इसमें जो अनवांटेड कॉपर है वो सब हट जाएगा और सिर्फ सर्किटरी जो हमें रिक्वायर्ड है जो हमने फिल्म से में देखी थी वो सिर्फ बचेगी वहाँ। ये इचिंग की मशीन यहाँ पर ये आ जाएगी वॉश होके। इस पे इचिंग के देखिए जितना अनवांटेड कॉपर था ये सब अनवांटेड कॉपर यहाँ से हट गया, सब हट गया। मतलब सिर्फ ट्रैक ट्रैक जो हमें रिक्वायर्ड है वो बचे हैं। तो ये प्रोसेस हो गया इचिंग, इसमें अनवांटेड कॉपर को रिमूव किया गया। ये इचिंग के बाद हम लोग मास्किंग करते हैं इस तरह से। मास्क हो गए, ये है आपका यूवी क्यूरिंग। ये आपकी ओवन जिसके अंदर जैसे यूवी से पीसीबी से सूखता है ऐसे इससे भी सूखता है ड्राई। ये प्रोसेस है आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग और सिल्क। अभी यहाँ कुछ प्रिंट नहीं है और सिल्क प्रिंटिंग। ये है स्क्रबिंग मशीन। इसमें बेसिकली क्या है किसी भी स्टेज पर मशीन में डाल और ब्रूशिंग वॉशिंग एंड ड्राइंग करता है। किसी भी स्टेज पर हम इसे स्क्रबिंग कर सकते हैं। फाइनल आके यहाँ पर काफ़ी हीट जैसा होता है, यहाँ पर गर्म रहता है काफ़ी। अभी तो ठंड का मौसम है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन काफ़ी गर्म रहता है सूखने के बाद। यानी कि ब्रूशिंग वॉशिंग एंड ड्राइंग सुखाना। ये है हमारा HL हॉट एयर लेवलिंग। इसमें पीसीबी के जो वो पैड्स के ऊपर हम एक्स्ट्रा होल्डर डिपॉजिट करते हैं। फ्यूम्स आते हैं बहुत, इसलिए इसको पूरा चिमनी दिया गया है ऊपर तक। इस पर सबसे पहले फ्लक्स लगाया जाता है। ये फ्लक्स लगाने से क्या होता है सोल्डरबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी तरह से चिपकता है पैड पे सोल्डर और उसको वॉश किया जाता है। ये दूसरे टाइप की हो गई राउटिंग के लिए, वो ड्रिलिंग था दूसरी राउटिंग।
राउटिंग। ये हमारा पूरा ड्रिल सेक्शन है जिसमें 3 CNC मशीन लगी हुई है। तो मैंने वर्किंग आपको दिखाया अभी 3 CNC मशीन। अब चलते हैं DVT की ओर, बेयर बोर्ड टेस्टिंग। बेयर बोर्ड टेस्टिंग में क्या होगा, ये पिंस करने लगे। ये एक पीसीवी है, इस पीसीवी के अकॉर्डिंग यानी कि जहाँ पर होल हैं पैड हैं, वायर्स में नहीं, जहाँ पर पैड्स हैं वहाँ पर ये पिन कॉन्टैक्ट बनाती हैं। और कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ये सारा का सारा एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर एक पिन एक सिस्टम में अटैच है। जहाँ भी फॉल्ट होगा वो फॉल्ट एनालिसिस करेगी और स्क्रीन पर भेजेगी इस लोकेशन पर क्या दिक्कत है। ये है आपका BVT, बेयर बोर्ड टेस्टिंग।